नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर का महीना हमारा टारगेट्स पूरे करने का महीना है। मुझे यकीन है कि हम सभी अपने टारगेट पूरे करने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, और जो नजदीकी से अपने टारगेट पूरे करने की दूरी है वो कुछ छोटे छोटे सवालों की वजह से हम जो पूरी नहीं कर पा रहे। तो आज उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच में है ईशा वशिष्ठ मैम, वाइस प्रेसिडेंट एपी ऑर्गेनिक्स, और साथ ही साथ वो हमारे डॉक्टर एआर शर्मा की डॉटर भी है और एक सर्टिफाइड डाइटिशियन भी है। तो हम ईशा वशिष्ठ मैम का हमारे बीच में स्वागत करते हैं। थैंक यू बीनू, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप सभी के कुछ ना कुछ हमारे हमारे पास सवाल आते रहते हैं, हमारे कॉल सेंटर पर लगातार छोटे छोटे कुछ सवाल आते रहते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं सवालों से शुरुआत करते हैं मैम। कि जैसे कि सबसे पहला जो सवाल हमारे पास आता है वो ये है कि 1400 mg और 14000 ppm में क्या फर्क है। हमारे हेल्थ कार्ड ऑयल पे बैक पे 1400 mg होता है और आगे 14000 ppm, तो उसमें क्या फर्क है? जी, वाकई ये सवाल काफी ज्यादा आता है। ट्रेनिंग के दौरान भी अक्सर लोग पूछते हैं कि 1400 mg और 14000 ppm ओरिजिनॉल में क्या फर्क है। दोनों एक ही चीज है, सिर्फ यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है। 1400 mg पर 100 ग्राम में ओरिजिनॉल है, और 14000 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, वो डिफरेंट यूनिट है। तो कई बार ब्रांड्स 10000 ppm लिखते थे, तो एक्चुअल में उनके अंदर 1000 mg ओरिजिनॉल होता था। तो जस्ट उसको काउंटर करने के लिए, कंज्यूमर को बेटर ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए दोनों यूनिट्स मेंशन करवाए गए हैं, ppm भी और mg भी। जी, और इसके बाद मैम एक और छोटा सा सवाल हमारे पास जो आता है वो ये है कि जो हमारे पैकेट पे आगे प्लस एफ का साइन बना होता है, तो वो किस चीज का साइन है, उसका क्या मतलब है? जी बीनू, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप धूप में कितनी देर बैठते हैं दिन में? ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट। मुझे नहीं लगता कि जब से कोरोना वायरस आया कि मैं बाहर गया हूँ घर से। तो ऐसे ही हो रहा है सबके साथ। आई मीन पूरा इंडिया बहुत कम धूप में बैठ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं कि इंडियंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन डी को गवर्नमेंट भी कह रही है, और हमारी कंपनी को भी लगता है कि क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है लोगों में, तो विटामिन डी क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि अगर उसे तेल में डालकर लोगों को दिया जाए तो उनका विटामिन डी पूरा किया जा सकता है। तो हमने फोर्टिफाई किया है उसे विटामिन ए से, जो कि एक असेंशियल विटामिन है, हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, और विटामिन डी जो एक इतना जरूरी विटामिन है और हर कोई उसमें डेफिशिएंट है। तो वो फोर्टिफाइड विद विटामिन ए और डी का जो साइन है वो है प्लस एफ। जी जी जी, और अगले सवाल पर जाने से पहले मैम एक बार मैं हमारे सभी ऑडियंस की तरफ से, सभी जो साथी हमारे साथ बने हैं उनकी तरफ से आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। मेरे पास कई कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास चैट में भी कई कमेंट्स आ रहे हैं कि इतनी बढ़िया जानकारी मिलती है, इतनी अच्छी एजुकेशन, इतनी अच्छी नॉलेज आपकी ओर से उन्हें लगातार प्रोवाइड की जा रही है कि वो एक नॉलेज के अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं, और एक अलग ही लेवल पर जाकर अब आगे वो लोगों को नॉलेज के बारे में, एक हेल्दी लिविंग के बारे में लोगों को आगे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जिसमें कि हमारा अगला सवाल ये है कि अब सितंबर का महीना आ चुका है और इसके बाद आगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जैसे कि हम जानते हैं कि सर्दियां आने वाली हैं, तो ये सवाल बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हेल्थ कार्ड ऑयल सर्दियों में हल्का सा गाढ़ा क्यों होता है या हल्का सा जमता क्यों है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि हेल्थ गार्ड ऑयल, जो लोग यूज कर रहे हैं हेल्थ गार्ड ऑयल, वो देखते होंगे कि सर्दियों में इसमें हल्का सा गाढ़ापन आ जाता है। अगर आप इसे फ्रिज में भी रख दें, यानी कि एक कोल्ड टेम्परेचर दे दें, तो भी वो हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा नजर आएगा जब आप उसे निकालेंगे। तो वो गाढ़ेपन का जो रीजन है, दैट इज सैचुरेटेड फैट्स। हेल्थ गार्ड ऑयल यानी राइस ब्रैन ऑयल में 24% सैचुरेटेड फैट होता है, 24% ऑफ सैचुरेटेड फैट। तो ये जो सैचुरेटेड फैट होता है ये गाढ़ा होता है। आपने देसी घी देखा है बीनू घर में? जी बिल्कुल। वो गाढ़ा होता है? बिल्कुल, जमा हुआ होता है वो जमा हुआ होता है। उसमें सैचुरेटेड फैट 70% है, और हेल्थ गार्ड ऑयल में 24% सैचुरेटेड फैट है। और हमारे WHO कहता है कि हमें सैचुरेटेड फैट भी लेना चाहिए। रेकमेंडेशंस के अनुसार सैचुरेटेड फैट 24% हमें लेना चाहिए। और ये जो सैचुरेटेड फैट है, ये इकलौता फैट है जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा।
गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना जरूरी है, सैचुरेटेड फैट लेना जरूरी है, लेकिन सैचुरेटेड फैट क्योंकि नेचर में ठंड में जमता है, ठंड में गाढ़ापन लाता है, सॉलिड इन नेचर है, तो इसी वजह से ठंड में हेल्थ गार्ड ऑयल जमता है। जी हाँ, तो जैसे कि अभी आपने सभी साथियों ने सुना कि हल्का सा अगर ऑयल जमता है तो वो भी उसकी एक क्वालिटी है, वो भी उसकी एक विशेषता है। तो इसी के साथ मैं हमारे अगले सवाल पर आऊंगा। अगले सवाल ये है मैम कि हमारे हेल्थ कार्ड ऑयल पर ट्रांस फैट लेस देन 2 ग्राम लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? जी हाँ, लेस देन 2 ग्राम ट्रांस फैट लेस देन 2 ग्राम एक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई। पहले की नोटिफिकेशन आपको बताती हूँ, पहले जो गवर्नमेंट के रूल्स थे, नोटिफिकेशन थी, उसके अकॉर्डिंग अगर 0 से 2 ग्राम तक ट्रांस फैट है तो आप उसे 0 लिख सकते हैं। लेकिन अभी नए रूल्स के अकॉर्डिंग फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी, चाहे 0 से 2 ग्राम तक 0 भी होता है, उसका कोई मायने नहीं होता ट्रांसफैट का, लेकिन नई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके मतलब ऑयल में 0 नहीं आप लिख सकते ट्रांसफैट को, अगर 0 से 2 ग्राम के बीच में है तो उसे लेस देन 2 ग्राम लिख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लिख सकते। जितने भी साथी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के फॉलो करते हैं, उनके आप ब्रांड्स उठाकर मार्केट में जाकर देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि उनके जो ब्रांड्स हैं उन पर 0 नहीं लेस देन 2 ग्राम ट्रांसफैट लिखा होगा या 2 ग्राम ट्रांसफैट लिखा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो हमारी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, हम लेस देन 2 ग्राम आसानी से लिख सकते हैं, तो वो 0 के अंदर ही आता है गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार, लेकिन लिखेंगे उसे लेस देन 2 ग्राम ही, क्योंकि 0 लिखना अलाउड नहीं है। जी हाँ, तो इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, तो अगर आपको कोई कहे कि आपके ऑयल में 2 ग्राम ट्रांसफैट है तो वो 2 ग्राम नहीं है, पहले तो उन्हें बताइए कि ये लेस देन 2 ग्राम है, और क्योंकि 0 भी लेस देन 2 ग्राम के बीच में ही आता है, तो हमारी जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट के, तो आप उन्हें ये चीज बताइए, उन्हें करेक्ट कीजिए और उन्हें नॉलेज दीजिए। बिल्कुल जी। और एक अटलस मैम, आप बताते होते हैं हमारे सेशंस में, पहले के जो सेशंस रहे हैं उसमें, कि ये थर्मोसाइफन सिस्टम है, वो थर्मोसाइफन सिस्टम है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस कंपनी के पास है, किसके पास नहीं है। थर्मोसाइफन सिस्टम एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो जापान, अमेरिका, यूएस में लगा है। किसी भी राइस ब्रैन ऑयल जो मैन्युफैक्चरिंग रिफाइनरी होती है, उसमें तेल को गर्म करने के लिए एक सिस्टम को लगाना पड़ता है, जहां तेल को गर्म किया जाए इनडायरेक्ट हीटिंग से, इनडायरेक्ट हीटिंग प्रोसेस से, क्योंकि सीधा उसे डायरेक्ट हीट नहीं देनी। तो थर्मोसाइफन सिस्टम जो जापान में फॉलो किया जाता है, जहां पर तेल को गर्म किया जाता है इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर स्टीम, पानी की भाप की मदद से, ये सिस्टम एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी ने लगाया है और इकलौती कंपनी है इंडिया की जिसने ये सिस्टम लगाया है। विदेशों में एक सिस्टम बैन किया जा चुका है जिसे थर्मिक फ्लूइड सिस्टम बोलते हैं। थर्मिक फ्लूइड सिस्टम में पेट्रोल डाला जाता है, उस पानी की जगह पेट्रोल डाला जाता है और उसकी गर्मी से, जिसे मिनरल ऑयल बोलते हैं, उसकी गर्मी से तेल को गर्म किया जाता है। तो हर एक कंपनी इंडिया की, क्योंकि ये सिस्टम इंडिया में बैन नहीं, विदेशों में बैन है लेकिन इंडिया में बैन नहीं, हर एक कंपनी थर्मिक फ्लूइड सिस्टम का ही इस्तेमाल करती है, और ये इतना खतरनाक है कि हमने कभी इसे यूज नहीं किया, क्योंकि अगर अगर आप सोचिए जिन पाइपों में वो मिनरल ऑयल चल रहा है, अगर उन पाइपों में कोई लीकेज हो जाए तो वो जो मिनरल ऑयल है वो फाइनल ऑयल के साथ मिक्स हो सकता है, अगर लोग इस तेल को खा लें तो उनकी जान तक जा सकती है। ऐसा हो चुका है जापान में, ताइवान में, इसीलिए उन्होंने बैन किया हुआ है, लेकिन इंडिया में बैन नहीं है। पर मुझे गर्व है कि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने कभी भी ऐसे खतरनाक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। थर्मोसाइफन सिस्टम तो एक सिस्टम है जिसके बारे में मैंने आपको नॉलेज दी है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम एपी ऑर्गेनिक्स ने लगाए हुए हैं जो और किसी कंपनी ने नहीं लगाए, इसीलिए हमें BRC, HACCP, हलाल, कोशर जैसे इंटरनेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। और इसीलिए बहुत से लोग हमें ये कहते हैं, इसीलिए बहुत से लोगों का ये मैसेज आता है हमारे पास कि हमें एपी ऑर्गेनिक्स पे गर्व है, हमें अपनी एपी ऑर्गेनिक्स और RCM पे गर्व है। और इसी के साथ एक सवाल मेरे मन में भी है, और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि बहुत हजारों लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जो गामा ओरिजिनल हमारा नया प्रोडक्ट है कुछ ही महीने पहले, गामा ओरिजिनल, उसको लेके आप उसके लिए खुद सामने क्यों आए? आप किसी भी डाइटिशियन को, किसी भी ट्रेनर को काम पर रख सकते थे, आप खुद क्यों आए लोगों के बीच? तो ये आपका सवाल है जी मैम, ये सवाल मेरे मन में काफी सबसे, और मैं आपसे आज
पूछना चाहूंगा यूएस के माध्यम से। ओके ओके ओके, ठीक है, आपका कहना खैर, मुझे तो यही बोला गया था कि डाइटिशियंस को ट्रेन करो, पूरी टीम बनाओ और पूरे इंडिया में अवेयरनेस करवाओ, लेकिन मैंने करवाया भी, शायद आपको याद होगा, कुछ डाइटिशियंस को मैंने बुलाया था और उन्हें ट्रेन किया, उन्हें कहीं ना कहीं भेजा, लेकिन जब मैं आरसीएम परिवार में खुद आई, जब मैंने खुद इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत पढ़ चुकी हूँ और मैं बहुत पैशनेट हूँ इस प्रोडक्ट के लिए, हजारों स्टडीज में पढ़ चुकी हूँ, मुझे पता है इस प्रोडक्ट में क्षमता है स्वास्थ्य क्रांति लाने की, तो जब मैं आरसीएम परिवार में गई इस प्रोडक्ट के बारे में बताने, जो पैशन, जो लीडरशिप क्वालिटीज, जो एक दुनिया को बदलने वाली आग मैंने आरसीएम परिवार में देखी है, वो मैंने किसी डाइटिशियन डॉक्टर जिनको मैं ट्रेन कर रही थी उनमें नहीं दिखी, मुझे कहीं भी नहीं दिखी उनमें, तो इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया, मैंने उन्हें बोला बस आप घर जाओ, अब अपने मैं खुद ही आरसीएम परिवार को ट्रेन करूंगी, मैं खुद ही उनको नॉलेज दूंगी, क्योंकि उनमें वही सेम पैशन है जो मुझमें है प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस ज्ञान देने का, तो आप ही देखना बिनु, कुछ महीनों की देरी है, ईशा वशिष्ठ, अब आप एक ईशा वशिष्ठ को जानते हो, आरसीएम परिवार से लाखों ईशा वशिष्ठ निकलने वाली हैं, यानी लाखों मेरे जैसे जो पैशनेटली प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, लाखों ऐसे व्यक्ति निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल, और इससे हमें ये भी पता लगता है कि गामा और रिजॉल्व प्रोडक्ट में कितनी पावर है, उसकी ट्रेनिंग में कितनी पावर है, जिससे कि वो लोगों की आगे जिंदगियां बदल रहे हैं, और जैसे कि वैसे तो गामा और रिजॉल्व की ट्रेनिंग से सब कुछ क्लियर हो ही जाता है, कभी कोई सवाल बचता ही नहीं मन में, बट फिर भी कई बार इधर उधर से छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं, और मैं उन्हीं में से कुछ सवालों को आपके आगे रखना चाहूंगा। मेरे पास अभी कमेंट्स के थ्रू भी जो सवाल आ रहे हैं उनमें से भी मैं एक सवाल ये लेना चाहूंगा कि अगर कोई थायराइड की दवा ले रहा है तो क्या गामा और रेजोनॉल लेकर वो उस दवा को छोड़ सकता है? जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि थायराइड, बीपी या कोई भी एंजाइटी की दवा अगर आप ले रहे हैं, या बीपी, थायराइड, ये सारी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा, कोई भी ऐसी दवा आप ले रहे हैं जिसमें गामा और रेजोनॉल ट्रीटमेंट में मदद करता है, जिसमें गामा और रेजोनॉल प्रमाणित है ठीक करने के लिए, तो उस समय जब आप गामा और रेजोनॉल शुरू करें, पहले तो उसे शुरू करें उसी दवा के साथ जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं, उस दवा को खाते रहें और गामा और रेजोनॉल लेना शुरू कर दें, लेकिन उस फार्मास्यूटिकल दवा पर आपको नजर रखनी है, आपको मॉनिटरिंग रखनी है कि गामा और रेजोनॉल लेने से उसकी जो डोजेज है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि अगर आप बीपी की दवा ले रहे हैं या थायराइड की दवा ले रहे हैं, तो धीरे धीरे आपने आपने देखा हो, आप देखेंगे कि गामा और रेजोनॉल लेने से आपकी वो थायराइड की गोली कम होने लग जाएगी। जैसे कि मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ, मैं खुद थायराइड की मेडिसिन लेती थी, मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म था, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया था और वो कंटिन्यू हो गया लंबे समय तक, तो वो मैंने 100 mg की थायराइड थायरोक्साइन करके मेडिसिन आती है वो ले रही थी मैं रेगुलर। गामा और रेजोनॉल लेने से मैंने अपने थायराइड का टेस्ट थोड़ा जल्दी करवाना शुरू कर दिया, लाइक हर 15 दिन बाद मैंने करवाना शुरू कर दिया ताकि मैं उस पर नजर रख सकूं। फिर वो धीरे धीरे जो वो 100 mg की गोली थी वो 75 हुई, फिर 50 हुई, फिर 25 हुई, आज की डेट में मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही, आज की डेट में मैं ओनली गामा और रेजोनॉल ले रही हूं, और मैंने थोड़े दिन पहले ही अपना थायराइड टेस्ट करवाया है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल रेंज में है। तो इसी तरह अगर सब करेंगे तो सबकी मेडिसिन छूट जाएगी, बट हाँ मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है। तो फिर तो बाकी जो डायबिटीज, शुगर, ऐसी बीमारियां, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा, उसमें भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जी जी जी, आपको मॉनिटरिंग, और डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी आल्सो, कईयों को जल्दी रिजल्ट मिलेगा गामा और रेजोनॉल से, कईयों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पेशेंट रहना है आपकी, क्योंकि गामा और रेजोनॉल में ऐसी ताकत है वो आपकी जो बीमारी है उसे जड़ से खत्म करेगी, तो उसे थोड़ा समय दें, पेशेंट रहें और अपनी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन पर नजर रखें, मॉनिटरिंग रखें। जी, और अगला सवाल जो आ रहा है वो ये है कि जो कैप्सूल है, ऊपरला कैप्सूल का खोल है गामा और रेजोनॉल का, वो किस चीज से बना हुआ है, क्या वो वेजिटेरियन है? जी जी जी, वो बिल्कुल वेजिटेरियन है, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी दिया जा सकता है, बिल्कुल वेजिटेरियन है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है वो, जिसे सेलुलोज बोलते हैं, फैट होता है वो, तो उससे निकाला गया है, प्लांट से निकाला गया है, तो वो कम्प्लीटली वेजिटेरियन है। आपने हमारे बॉक्स पर वो ग्रीन मार्क भी देखा होगा, वो ग्रीन मार्क नहीं लगा सकते अगर प्रोडक्ट वेजिटेरियन नहीं है, तो वो प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन है, वो जो सेल है, जो जिस कैप्सूल का सेल है वो बिल्कुल ही बिल्कुल सेफ है,
आई मीन मैं जब गामा ओरिजिनल खा रही होती हूँ, मेरी बेटी है 2 साल की, वो भी मांगती है कि मम्मा मुझे भी गामा ओरिजिनल खाना है, तो मैं उसे वो कैप्सूल थोड़ा सा निकाल कर दे देती हूँ और वो उसके मुंह में घुल जाता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर मैं अपनी 2 साल की बेटी को दे सकती हूँ वो, तो आप कहीं भी डाउट मत रखना कि उस सेल में कोई प्रॉब्लम है या उसमें वो वेजिटेरियन नहीं है या प्लास्टिक है, ऐसा कुछ मत सोचिए। दैट इज अ प्लांट एक्सट्रैक्ट ओनली। जी, और इसी के साथ अगला सवाल आ रहा है हमारे पास से मध्य प्रदेश में इंदौर से राकेश जोशी जी का, कि किस किस बीमारी या किन किन लोगों को गामा और रेजोनेंस कैप्सूल नहीं देना है। ओके, नहीं देना है जी। गामा और रेजोनेंस तो सबको दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं किस किस को बादाम नहीं देने हैं या किस किस को सेब नहीं देना है या केला नहीं देना है, एक फूड है, इट इज अ न्यूट्रास्यूटिकल, अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बोला है कि इट इज अ रजिस्टर्ड न्यूट्रास्यूटिकल, अच्छी सेहत के लिए आप लोग इसे खाएं। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को हम बोलते हैं कि डॉक्टर की सलाह से लें, वो भी जस्ट लेबलिंग रेगुलेशंस के कारण लिखना पड़ता है। अगर मैं आपको कुछ इंटरनेशनल हॉस्पिटल या इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं, उसमें तो प्रेगनेंसी में गामा और रेजोनेंस दे रहे हैं कई बीमारियों को ठीक करने के लिए, क्योंकि वहां वो फार्मास्यूटिकल्स दवाएं नहीं दे सकते। तो सिर्फ इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ेगा। बट और मैं कह भी यही रही हूँ कि आप जो अगर प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर की सलाह से लें, अदरवाइज हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है उसे लेना ही चाहिए गामा और रेजोनेंस। हर तरह की बीमारियां जिनके बारे में हम बताते हैं, उनकी रोकथाम के लिए, अच्छी सेहत को मेंटेन करने के लिए। जी, और अगला सवाल जो हमारे पास हमारे हेल्पलाइन सेंटर के नंबर पर आया वो ये है कि इसकी डोजेज कितनी है, क्या 2 कैप्सूल सबके लिए इनफ रहेंगे। जी जी, इसकी डोजेज जापान में कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हुए या और हमने भी जो ट्रायल्स करवाए हैं उसमें 300 mg की जो डोजेज है बहुत ही इफेक्टिव डोजेज आ रही है, यानी कि बहुत ही शानदार डोजेज आ रही है। अगर कोई 300 mg गामा और रेजोनेंस ले लेता है तो कोलेस्ट्रॉल से लेके, बीपी से लेके, शुगर से लेके हर तरह की बीमारी पर उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उसको रिजल्ट मिलेंगे। तो 300 mg सबके लिए इनफ है, कोई चक्कर नहीं है, 300 mg सबके लिए इनफ है। अगर फिर भी आप एक आधा कैप्सूल ज्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शायद आपको ज्यादा फायदा हो, लेकिन 300 mg तो खाना ही खाना है, खाना ही खाना है। और इसे कितने समय तक लेना है, क्या इसकी आदत तो नहीं हो जाएगी। जैसे मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूंगी कि इसको खाने की तरह ले, इसको भोजन की तरह। जब आपने मेरे ट्रेनिंग्स में देखे होंगे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये एक न्यूट्रिशन का पार्ट है, आप इसे खाने के साथ लें और खाने की तरह लें। जिस तरह खाना पूरी जिंदगी खाते हैं उसी तरह इसे पूरी जिंदगी लें, तो आप कई तरह की बीमारियों से खुद को बचा सकते हो, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हो और एक आपकी जो हेल्थ है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकती है। तो आप इसे ऐसा मत सोचें कि 3 महीने बाद हम इसे छोड़ दें, इसे लगातार लेते रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर तो आप 3 महीने हमारे कहने पर ले लीजिए, जब आपको इसके रिजल्ट आएंगे तब आप खुद ब खुद पूरी जिंदगी इसे अपने आप लेंगे, ये मेरी गारंटी है। जी, और आगे एक हमारे पास कमेंट्स में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि गामा और रेजोनेंस को क्या खाने से पहले ही लेना है, खाने के बाद नहीं ले सकते, दिन में कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि क्या होता है कि लोग खाना खाने से पहले उसे भूल जाते हैं, अक्सर वो भूल जाते हैं कि उन्हें गामा और रेजोनेंस लेना है, तो उनका यही है कि क्या खाना खाने के बाद या दिन में कभी भी इसे ले सकते हैं। शायद ये जो सवाल है ये काफी बार आता है और ये कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैंने ही क्रिएट करी हुई है कि खाना खाने से बिल्कुल पहले लें। हमें था कि बेटर अब्सॉर्प्शन के लिए और जल्दी रिजल्ट लाने के लिए हम ये आपको तरीका बता रहे थे कि आप खाना खाने से जस्ट पहले, यानी खाने के साथ ही इसे लेंगे। जैसे अब थाली है, थाली में दाल भी है, सब्जी भी है और उसी थाली में गामा और रेजोनेंस पड़ रहा है, तो उसके साथ ही अगर आप लेंगे तो अब्सॉर्प्शन आपके शरीर में उसकी बहुत अच्छी होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि खाना खाने से जस्ट पहले या खाना के साथ लें। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप भूल गए, आपने खाना खा लिया और आप भूल गए गामा और रेजोनेंस को लेना, फिर आप उसे ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने सिर्फ एक बेटर तरीका बताया है, क्योंकि ये एक भोजन है तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसी तरह लेना है। अगर आप कभी दिन में 2 कैप्सूल लेना भूल जाएं, आपने रात को आपको याद आया कि मैंने 1 कैप्सूल तो लिया ही नहीं,
तो आप रात को दो कैप्सूल इकट्ठे भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरी है 300 mg की डोजेज को पूरा करना। और मैं फिर से यही कहूंगी कि बहुत जल्दी रिजल्ट लाने के लिए अगर आप इसे खाने के साथ लेंगे, यानी पहले गामा और रिजनॉल खा लिया फिर खाना खा लिया, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। पर क्योंकि ये एक न्यूट्रिशन है, एक भोजन है, आप जैसे चाहे इसे ले सकते हैं जी। और इसके बाद अगला सवाल मैम हमारे पास संजय कुमार जी का आ रहा है, हमारे यूएस के जो वीडियो चल रही है उस पे कमेंट्स के थ्रू हमारे पास संजय जी का सवाल आ रहा है कि अगर वो किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कोई भी और डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई भी न्यूट्रासोटिकल ले रहे हैं और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है, उन्हें हेल्थ की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो क्या उसके साथ भी वो गामा रेजोनॉल ले सकते हैं? जी हाँ, कोई भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, न्यूट्रिसूटिकल, कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट अगर आप ऑलरेडी ले रहे हैं तो उसके साथ आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है फिर भी आप ले सकते हैं। आपको मैं, अगर हमारे पास समय है, एक बात बताना चाहती हूँ। मीनू, है हमारे पास समय? जी मैम बिल्कुल। 2019 में मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाया। मुझे लगता था मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं एकदम फिट थी और एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। तो मेरा जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो 100 आया, यानी बिल्कुल पॉइंटों पे पास थी मैं। LDL जो थे वो 130 आए, जो कि हायर साइड था। और बहुत ही जरूरी बात आपको बताऊंगी, 34 मेरा HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल आया, जो 50 से ऊपर चाहिए, कम से कम 50 होना चाहिए अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं, वो मेरा 34 था। यानी मैं डिसलिपिडेमिक थी, डिसलिपिडेमिक, इट इज अ रीजन फॉर हार्ट डिजीजेस। मैंने उसी समय गामा ओरिजिनल शुरू कर दिया और 3 महीनों में ही मेरे इतने शानदार रिजल्ट आए, जो मेरा HDL था वो 34 से 75 हो गया, LDL कम हो गया, रेंज में आ गया, और जो मेरा ट्राइग्लिसराइड थे वो भी जो लोएस्ट रेंज थी, मतलब 40 के करीब चले गए थे। तो हम कई बार सोचते हैं हम हेल्दी हैं, लेकिन हमारे शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। गामा ओरिजिनल एक ऐसा मिरेकल, एक मैजिकल प्रोडक्ट है जो हर तरह की प्रॉब्लम हमारे शरीर से खत्म करेगा, हमें हेल्दी बनाएगा, क्योंकि सेहत ही असली विजेता है हर जंग की, तो हमें सेहत अच्छी रखनी ही रखनी है। तो इसमें मैं ये चीज, एक छोटा सा पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगा कि पॉइंटों पे जब पहुंचने का इंतजार मत कीजिए, उससे पहले ही आप अपने सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, ताकि आप उस नौबत पे ही ना आए कि आप एक बॉर्डर लाइन पर पहुंच चुके हैं। उससे पहले ही आप प्रोडक्ट्स को लेना शुरू कर दीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद झारखंड से हमारे पास एक परवेज आलम जी का सवाल आ रहा है कि हड्डियों में थोड़ा दर्द रहता है, हड्डियों में कमजोरी है और घुटनों में भी दर्द और स्वेलिंग है, तो क्या उसके लिए गामा ओरिजिनल लिया जा सकता है? जी हाँ, आप गामा ओरिजिनल लेंगे आपको डेफिनेटली राहत पहुंचेगी, क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाता है गामा ओरिजिनल। मेरी बस बहुत सारी स्टडीज हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम को ठीक करता है गामा ओरिजिनल। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारी हड्डियों का कमजोर होना, जो एज के साथ होता ही होता है, तो उसको ठीक करने की क्षमता है गामा ओरिजिनल में। और गामा ओरिजिनल एंटी इंफ्लेमेटरी है। जिस सूजन की आप बात कर रहे हैं, सूजन वो घुटनों में हो सकती है, वो बाजुओं में हो सकती है, शरीर के किसी भी अंग में ये जो सूजन है हो सकती है। हम सूजन को बहुत ही इजीली ले लेते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सूजन एक बहुत ही ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें कई बीमारियों की तरफ लेके जाती है। तो वो सूजन को ढूंढ के, क्योंकि गामा ओरिजिनल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, वो सूजन को ढूंढ के हमारे शरीर में उसको कम करेगा, उसको होने नहीं देगा, उसको बिल्कुल ठीक करेगा। तो आपको डेफिनेटली फर्क मिलेगा, राहत मिलेगी गामा ओरिजिनल लेने से। जी, और इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि हमने छोटे छोटे कुछ टारगेट निकाले हुए हैं, डिस्प्ले वॉल ऑफर और जो सेलिब्रेशन टारगेट्स हैं, तो उनके बारे में जो कुछ सवाल आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को टारगेट्स बताना चाहूंगा। हमने डिस्प्ले वॉल का एक टारगेट निकाला है कि जो भी व्यक्ति अपनी डिस्प्ले वॉल की सेल्फ आईडी पे 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक 48 पीस गामा ओरिजिनल की परचेज करेगा, यानी कि एक कार्टन परचेज करेगा, उसे गामा ओरिजिनल हेल्थ गार्ड की तरफ से, गामा ओरिजिनल की तरफ से एक टी शर्ट दी जाएगी जिसपे गामा ओरिजिनल की ब्रांडिंग होगी, जिससे कि आप पहनकर बाजार में जब जाएंगे आप तो आपको एक हेल्थ लीडर की उपाधि से लोग देखेंगे कि जिन्होंने लोगों को आगे हेल्थ के लिए जागरूक किया। तो उसी में, और उसमें जो सबसे पहले एक सवाल आता है कि क्या एक ही बिल पर 48 पीस की बिलिंग होनी चाहिए,
जी नहीं, आप छोटे छोटे 10-10 पीस करके भी परचेज कर सकते हैं। आपकी टोटल परचेज कम से कम 48 पीस की होनी चाहिए 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। और उसके बाद एक अगला जो सवाल आता है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि लोगों का मेरे पास सवाल आता है, क्या वो अगर डिस्प्ले वॉल का टारगेट पूरा करेंगे तो क्या उनका वो डायरेक्ट सेलर वाले सेलिब्रेशन इवेंट के लिए भी मान्य किया जाएगा? जी हाँ, अगर आप डिस्प्ले वॉल के लिए भी 48 पीस लेते हैं तो वो भी सेलिब्रेशन में हम मान्य करेंगे। और इसके अलावा एक जो सवाल आता है एक कि पिलर अवार्ड क्या है और पिलर अवार्ड को हम कैसे ले सकते हैं, तो आइए उसका प्रोसीजर हम जानते हैं। ईशा जी से हमारे साथ हुए हैं और हम डायरेक्टली उनसे पूछते हैं कि पिलर अवार्ड है क्या, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, और अगर कोई भी व्यक्ति पिलर अवार्ड को लेना चाहते हैं तो वो कैसे उसको ले। जी बिनु, पिलर अवार्ड एक बहुत बड़ा सम्मान है। मतलब ये जो पिलर अवार्ड है ना, ये हर चीज से ऊपर है। आपके बिजनेस से ऊपर है, आपकी किसी भी प्रॉफिट से ऊपर है। ये एक सामाजिक जिम्मेवारी का जो आपने काम किया है उसके लिए आपको दिया जाता है। और ये सामाजिक जिम्मेवारी क्या है? अगर आप 1,000 लोगों को जागरूक करवाते हैं, अगर आप 1,000 लोगों को जगाते हैं उनकी हेल्थ के प्रति, उनकी सेहत के प्रति, तो आपको पिलर अवार्ड दिया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा 1,000 लोगों की जिम्मेवारी लेनी है आपने। 1,000 लोगों की जिम्मेवारी लीजिए, उनकी ट्रेनिंग करवाइए जूम पर, उनकी एजुकेशन करवाइए हमारी टीम से, हेल्थ गार्ड टीम। मैं खुद उन 1,000 लोगों को उनकी सेहत के प्रति जागरूक करूंगी, क्योंकि मेरा पैशन है कि हम मिलजुल कर अपने देश को हेल्दी बनाएं, अपने इंडिया को हेल्दी बनाएं। तो अपने परिवार के दायरों से बाहर निकलकर, क्योंकि आज तक मैं भी, शायद मेरी तरह आप भी ये समझते होंगे कि मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस कोरोना वायरस ने हमें सिखा दिया कि आज की डेट में हर कोई ये बोल रहा है कि मेरी पड़ोसी में सब सब ठीक होने चाहिए, मेरी कॉलोनी में सब ठीक होना चाहिए, मेरे सिटी में सब ठीक होना चाहिए। यानी कि जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो हमारी एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में कोरोना वायरस ने हमें याद दिला दिया। उसके बारे में हमारी जो आंखें खोल दी हैं कोरोना वायरस ने। तो आप लोगों को अब अपने परिवार, आरसीएम परिवार के भी दायरे से निकलकर और लोगों तक जाना है, उनको जागरूक करवाना है। क्योंकि अगर हम अपने परिवार के दायरे से निकलेंगे, हम पूरे देश तक पहुंच जाएंगे। और अगर हम पूरे देश को जागरूक करवा दें अच्छी सेहत के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, तो हम अपने इंडिया को वर्ल्ड में एक लीडर बना सकते हैं सेहत और लंबी उम्र के मामले में। तो यही पिलर अवार्ड का मकसद है। पिलर अवार्ड दिया जाएगा एक बहुत ही शानदार इवेंट में उन व्यक्तियों को जो 1,000 लोगों की जिम्मेवारी लेंगे, जूम पर उन्हें लेके आएंगे और उनकी जागरूकता करवाएंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल। पिछले कुछ हफ्तों से हमारे बीच में एक आवाज उठ के आ रही है, 19 जुलाई को सबसे पहले जो हमें सुन में आया था मिशन 5 करोड़, और तब से लेके अब तक हमें बार बार मिशन 5 करोड़, मिशन 5 करोड़, मिशन 5 करोड़ सुनने में आ रहा है। हर कोई मिशन 5 करोड़ की बात कर रहा है। तो मैं एक बार ईशा जी से डायरेक्टली जानना चाहूंगा कि मिशन 5 करोड़ है क्या, और क्या हम इस मिशन 5 करोड़ को पूरा कर पाएंगे? जी, मिशन 5 करोड़, ये बीसी सर ने ये नारा दिया है मिशन 5 करोड़ का। इवन मुझे भी जब सर ने शुरू में बताया, मैं भी पूछना चाहती थी, सर मिशन 5 करोड़ है क्या? मतलब 5 करोड़ लोगों, एक साल में 5 करोड़ लोगों को गामा ओरिजिनल देना है? वो कह रहे नहीं, हर महीने 5 करोड़ लोगों को गामा ओरिजिनल देना है, हर महीने 5 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी लेनी है। तो ये है मिशन 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ लोगों तक गामा ओरिजिनल को पहुंचाएगा आरसीएम, उनकी सेहत में बदलाव लाएगा आरसीएम। तो ये मिशन है और ये डेफिनेटली पूरा होगा। बिल्कुल, अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, बहुत जल्दी ये मिशन पूरा होने वाला है। क्योंकि पूरा आरसीएम परिवार, कोर लीडर्स, सौरभ जी, हर कोई जोर शोर से इस मिशन में लगा हुआ है। और डेफिनेटली करोड़ों लोग हैं जिनकी जरूरत है गामा ओरिजिनॉल। आज की डेट में इकलौती सिर्फ आपकी कंपनी है जो गामा ओरिजिनॉल मार्केट कर रही है इंडियन मार्केट में, सिर्फ हमारी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है। और इसकी जरूरत कितने करोड़ लोगों को है? कम से कम 60 करोड़ लोगों को। एज पर स्टेटिस्टिक्स अगर मैं आपको बीमारियां बताऊं, तो कम से कम 60 करोड़ लोगों की जरूरत है गामा ओरिजिनॉल, 60 करोड़ लोगों की। तो
आपने जो टारगेट लिया है वही देख के लिया है कि 60 करोड़ लोगों की जरूरत है, सिर्फ हमारी कंपनी मार्केट कर रही है, तो बहुत जल्दी 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जा सकता है इस प्रोडक्ट को, तो इसलिए ये टारगेट है, ये डेफिनेटली पूरा होगा। और अगर आपको 0.1% भी डाउट है इसके लिए, क्योंकि वैसे तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, अगर 0.1% भी डाउट है इस 5 करोड़ का, तो हमने 11 सितंबर को एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 1000 लोगों का पार्टिसिपेशन रहा था, कोर टीम से दिग्गज लीडर्स का पार्टिसिपेशन रहा था, बीसी सर की प्रेजेंटेशन है उसमें, केसी छाबड़ा जी की प्रेजेंटेशन है, उस इवेंट को इवन यूट्यूब लाइव भी करना पड़ा था, लेकिन कुछ कारणवश उसको फिर हमें रिमूव करना पड़ा। तो आप लोगों के डाउट्स को दूर करने के लिए आपको जो रोड मैप दिया गया 11 सितंबर को 5 करोड़ का, वो रोड मैप की जो वीडियो है हम अपलोड करेंगे, तो संडे के दिन, इस संडे, आने वाले संडे को हम अपलोड करेंगे वो वीडियो। और बिनु, आप उसका समय और कब अपलोड होगी ये थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। तो इस संडे दोपहर 3 बजे हम उस वीडियो का प्रीमियर करने जा रहे हैं, रोड मैप फॉर मिशन 5 करोड़ के टाइटल के साथ हम उस वीडियो को लॉन्च करने जा रहे हैं। और आप सभी के सभी हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जी, और इसी के साथ ज्यादातर हमने सभी सवालों का जवाब दे दिया जो भी हमारे पास चैट में सवाल आए। और अगर अभी भी अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी मन में कुछ भी रह गया है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर जो कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हमारे पास ऑन रहते हैं, तो आप उन पर कॉल करके अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आप कोई भी हमसे सुजेशन ले सकते हैं, आपको कोई भी लिटरेचर चाहिए, डिजिटल लिटरेचर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, उस पर कॉल कर दीजिए और आपको सारा का सारा लिटरेचर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर साथ ही साथ आपको कोई भी ट्रेनिंग वीडियोस देखनी है, आपको कोई भी टेस्टिमोनियल्स चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की वीडियोस चाहिए गामा रिजल्ट पर, तो आप सीधा हेल्थ कार्ड का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आप उस पर जा सकते हैं। उस पर हमारी कंप्लीट 20-20 मिनट की गामा रिजल्ट की वीडियोस हैं और साथ में उस पर शॉर्ट वीडियोस भी हैं 2-2 मिनट की, तो आप उनको वहां से जाके YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं और उनको आगे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग वीडियोस हमारे यहाँ आपके UES चैनल पर भी है, तो आप वहां जाके भी उन्हें देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने क्वेश्चन हमें भेजे, जिन्होंने अपने सवाल हम तक पहुंचाए चैट के थ्रू, हमारे नंबर्स पर कॉल करके या कमेंट्स के थ्रू। और साथ ही साथ मैं ईशा मैम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हमारे साथ आज के स्पेशल सेशन के लिए जुड़े और हमारे सभी सवालों का हमें बेहतरीन जवाब दिया, जिससे कि हम अब अपने सितंबर मंथ में सारे अपने आगे के टारगेट पूरे कर सकें। थैंक यू सो मच विनू।